नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे मोल्स के विषय में। मोल्स एक इरिटेटिंग समस्या होती है जो आपको कोई बहुत दिक्कत तो नहीं देती है, लेकिन आपको कॉस्मेटिक ट्रबल देके इरिटेट करती है और आप इसका काफ़ी इलाज करते रहते हैं लेकिन ये ठीक नहीं हो पाता है। आज हम बात करेंगे, बताएंगे आपको इसकी 10 कारगर होम्योपैथिक दवाओं के विषय में जो आपके मोल्स को ठीक कर देंगी। मोल्स मस्से से अलग होता है, मस्से को वाट कहते हैं, मोल को तिल कहते हैं। तो जो स्किन टैग होते हैं या तिल होते हैं या मस्से से अलग होते हैं, इसकी दवाएँ अलग होती हैं और मस्सों की अलग होती हैं। अक्सर हम लोग वाट्स की दवा लेने लगते हैं मोल्स में भी, तिल में भी, जो कि गलत है। तिल की दवा अलग होती है, तिल की दवा तिल हो तो तिल की ही दवा लेनी चाहिए। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं कि मोल्स होते क्या है। मोल साथियों पिगमेंटेशन होता है जो आपके मेलानोसाइट्स होते हैं, जब उनका पूरा क्लस्टर सेल्स का जो है पूरा मेलानोसाइट का क्लस्टर उभर आता है तो वो एक पॉइंट ऐसा बना लेता है और वह एक तिल के रूप में आपको दिखने लगता है। इसके कारण की जहाँ तक बात करते हैं, इसके कारण तिल का कारण मैंने बताया मेलानोसाइट होता है। जब आपका मेलानोसाइट का क्लस्टर सेल का क्लस्टर के रूप में एक झुंड के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं मेलानोसाइट्स, तो वह ही आपको एक मोल का तिल का अपीयरेंस देते हैं। यह विभिन्न रंग के हो सकते हैं, ज़्यादातर ये ब्राउन होते हैं लेकिन ये पिंक, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन यह रंग के भी हो सकते हैं। फिर साथियों इसके सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स साथियों मोल का तिल होता है, तिल हम सब जानते हैं। जहाँ पे एक पतला सा 6 mm से कम, 6 mm से कम अगर आपके स्पॉट है तो वह बहुत संभावना है कि वो तिल होगा और आप उसके लिए तिल को ठीक करने की ही दवा करेंगे। अब साथियों एक थोड़ा सा दुखद पहलू भी मोल्स का आता है। हम लोग तिल को बड़े हल्के में ले लेते हैं कि तिल है कोई बात नहीं, खूबसूरती का निशान है, ये कह देते हैं। तो इसका एक बड़ा बुरा पहलू भी आता है, वो ये कि ये कैंसरस हो सकते हैं और हम लोग पहचान ना पाएं। तो हम आपको बताते हैं कि आप कैसे पहचानें कि जो आपका तिल है वो नॉर्मल तिल है या कि वो कैंसर की ओर, मेलानोमा की तरफ बढ़ रहा है। इसका एक क्राइटेरिया होता है साथियों, ABCDE, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई। ये 5 चीज़ों में से, 5 सिम्टम्स में से, 5ों या इनमें से एक दो भी अगर आपके आ रहे हैं तो सोच ले कि आपको यहाँ कैंसर भी हो सकता है, सामान्य तिल ना हो। तो इसको आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, हम आपको इसकी जानकारी देते हैं। पहला करेक्टरिस्टिक जो कैंसरस तिल का होता है वह होता है एसिमेट्रिकल, ABCDE, ए। एसिमेट्रिकल अगर आपका तिल है, यानी कि एक तरफ वो थोड़ा राउंड है, दूसरी तरफ वो थोड़ा एजी है या गोलाई में नहीं है, तो वह एसिमेट्रिकल कहा जाएगा। तो अगर तिल एसिमेट्रिकल है तो वह कैंसरस हो सकता है। दूसरी बात आती है जो अभी हमने कहा, बी स्टैंड फॉर बॉर्डर। अगर आपका जो तिल है वह उसका बॉर्डर इरेगुलर है, बॉर्डर उसका गोलाई में एक बराबर नहीं है, तो जो है वह कैंसरस हो सकता है, हो सकता है वो कैंसरस हो, तो उसके लिए आप तुरंत कुशल चिकित्सक से संपर्क करें। तीसरा जो कैंसर का इसका तिल का क्राइटेरिया आता है वह सी, कैपिटल सी। तो सी स्टैंड फॉर कलर। तो अगर आपका कलर मल्टी कलर तिल है, मतलब उसके कलर्स चेंज हो रहे हैं और वह मल्टी कलर सा होता जा रहा है, तो जान लीजिए कि कुछ गड़बड़ है। उसको आप तुरंत दिखाने का इंतज़ाम करें, वह बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़ आती है डी, डायमीटर। अगर आपके तिल का डायमीटर 6 mm से बड़ा है तो वह कैंसरस हो सकता है, तो आप इसका भी ध्यान रखें कहीं वो 6 mm से बड़ा तो नहीं है। फिर पांचवा और आखिरी क्राइटेरिया आता है ई स्टैंड फॉर इवॉल्विंग। अगर आपका तिल इवॉल्व कर रहा है, यानी कि उसका डायमीटर बदल रहा है, उसका शेप बदल रहा है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं, वो उभर रहा है या वो दब रहा है, इस तरह की अगर स्थिति आपको दिखने लगे तो यह कैंसरस हो सकता है। आप तुरंत किसी कुशल चिकित्सक को संपर्क करके इसका निदान कराएं। अब हम साथियों आपको बताएंगे ये तिल या मोल्स की को दूर करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवा। उससे पहले साथियों बता दें कि यह दवाएं आपकी जानकारी के लिए हैं। कोई भी दवा बिना किसी कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करे बिना न ले, दवा आपकी सिम्टम के हिसाब से आपके लिए भिन्न भी हो सकती है और आपको नुकसान भी कर सकती है। किसी डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा के ही दवा लें। पेश है साथियों आपके सामने तिल को दूर करने की, मोल्स, स्किन टैग्स को दूर करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं।
सबसे कॉमन जो स्थिति होती है साथियों वह ये होती कि उम्र के साथ तिल पड़ते हैं। मरीज कहता है डॉक्टर साहब पहले तो हमारे कोई तिल नहीं था लेकिन आज हमारे 50-60 तिल हो गए, शरीर के पूरे हिस्सों में कहाँ कहाँ हो गए। तो अगर यह स्थिति होती कि जब आपका यह एक्वायर होते हैं उम्र के साथ, बच्चों में भी होते हैं लेकिन आफ्टर बर्थ होते हैं, यह कंडीशन आपके हो तो इसके लिए होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है थूजा और एसिड हाइड्रोफ्लोर, या थूजा 30 पावर में और एसिड हाइड्रोफ्लोर 30 पावर में, दो दो बूंद दिन में 3 बार आप उस कंडीशन में ले सकते हैं कि जब आपके उम्र के साथ तिल बढ़े हों, नए नए तिल निकल रहे हों, तब आप अगर थूजा और एसिड फ्लोर 30 ले लेते हैं तो आपके तिल जाने में निश्चित रूप से बहुत लाभ मिलेगा। थोड़ा ये दवा लंबे समय तक चलेगी, तुरंत ये ठीक नहीं होना है लेकिन ये ठीक होना है, अच्छी बात यही है। तो आप थूजा 30 पावर में, एसिड फ्लोर या एसिड हाइड्रोफ्लोर 30 पावर में शुरू करें। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि जब होता है कि सिर्फ बर्थ आपके मोल हैं, अगर सिर्फ बर्थ आपके मोल हों तो इसकी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है कंड्यूरेंगो। आप कंड्यूरेंगो 30 दो बूंद दिन में 3 बार लंबे समय तक ले सकते हैं कि जब आपके तिल आए हों और या बर्थ से आपके हों, एक बर्थ मार्क के तौर पर ट्रीट कर जाते हों, अगर यह स्थिति आपके तिलों की है तो आपकी दवा कंड्यूरेंगो है। आप 30 पावर में इसको दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप पाएंगे कि आपकी तकलीफें कम हो गई और आपके तिल जाने लगे। फिर साथियों एक कंडीशन आती है तिल में कि एक ही जगह पे बहुत सारे तिलों एक स्पाइडरी सेंसेशन दे रहा हूँ, अगर स्पाइडरी सेंसेशन में हो कि मतलब कई सारे तिल एक ही जगह हुए जा रहे हो, स्पाइडर वेब के रूप में आपको लग रहे हों, तो इसकी होम्योपैथी में दूर करने की बहुत कारगर दवा है साथियों कार्बोवेज। आप कार्बोवेज 30 दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि जो आपके यह स्पाइडरी टाइप एक चकत्ते नुमा एक झुंड में आपके तिल पड़ रहे हैं वह चले गए और आप इससे छुटकारा पा गए। दूसरी साथियों इसी कंडीशन की बहुत अच्छी दवा है प्लेटिना। आप प्लेटिनम मेट 30 पावर में दो बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। जब आपके यहाँ तिल हो और उनमें खुजली हो रही हो और चुभन हो रही हो और वहाँ पे आपको स्क्रैचिंग करने से खुजलाने पे मजबूर होना पड़े, अगर यह स्थिति आपको अपने मोल से यानी तिल की लग रही है तो इसकी होम्योपैथी में कारगर दवा प्लेटिना है। आप प्लेटिना 30 दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपके तिल जाने में आपको लाभ मिलेगा। फिर साथियों एक स्थिति आती है जब आपके तिल नीले रंग के हों, अगर ब्लूइश कलर उसमें तिल में आ रहा है और आपके वो लोअर एब्डोमेन में ज़्यादा है तो होम्योपैथी में इसके दूर करने की बहुत कारगर दवाएं हैं फास्फोरस और किलकरिया कार। फास्फोरस 1 EM की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पे आप वीकली उस कंडीशन में ले सकते हैं जब तिल आपके लोअर एब्डोमेन पोर्शन में हो, जांघों में हो और उनमें जलन होती हो तो उसकी दवा फास्फोरस है, आप फास्फोरस 1 EM ले सकते हैं। और अगर आप की कद काठी फेयर फैट एंड फ्लेबी है तो आपकी दवा कैल्केरिया कार्ब 30 है। कैल्केरिया कार्ब 30 दो बूंद दिन में 3 बार शरीर में कहीं भी तिल हो, अगर आपकी कद काठी फेयर फ्लेबी है तो उसको दूर करने में कैल्केरिया कार्ब 30 बहुत मदद करेगी, आपके तिलों को दूर कर देगी अगर आप इस दवा की दो बूंद का सेवन दिन में 3 बार कर लेते हैं। अगर साथियों आपके इन तिलों में इचिंग हो रही है, प्रिकिंग हो रही है और आपको इससे तकलीफ हो रही है तो इस स्थिति से निपटने की बहुत अच्छी दवा होम्योपैथी में, तिलों को दूर करने की बहुत अच्छी दवा होम्योपैथी में पल्सेटिला है। आप पल्सेटिला नाइग्रा 30 पावर में दो बूंद दिन में 3 बार ले लें। जब आपके तिल में इचिंग हो रही हो, तिल में प्रिकिंग हो रही हो और आपका चेंजेबल मूड हो, प्यास आपको कम लगती हो और आपको सिंपथी यानी सांत्वना देने से आपको अच्छा महसूस होता हो या सिम्टम्स अगर आप में है तो आपकी दवा पल्सेटला है। आप पल्सेटला 30 दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपको फ़ायदा हो जाएगा। अगर साथियों आपको बचपन से तिल हैं चेहरे पे या कहीं भी शरीर में और आप बहुत कमज़ोर हैं या सिम्टम अगर आप में है तो आपकी दवा एसिटिक एसिड है। आप एसिटिक एसिडम 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। जब आपको बहुत डिबिलिटी लगती हो, बहुत वीकनेस लगती हो और आपके बचपन से तिल हों, बर्थ मार्क के रूप में तिल हों तो यह दवा आपके तिल को दूर करने में बहुत मदद कर देगी। अगर साथियों आपके जो तिल हैं उनका कलर लाल है, रेड कलर के हैं, ब्लूइश रेड कलर के तिल हैं तो उसको दूर करने की बहुत कारगर दवा होम्योपैथी में फास्फोरस है।
आप फॉस्फोरस 1 पावर में 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले लें। जब आपके तिल रेडिश ब्लू कलर के हों, आपके पूरे शरीर में जलन होती हो, बर्निंग होती हो, अंदर से जलन महसूस होती हो, आपके बाल बहुत झड़ रहे हों, शाम को आपकी तकलीफें बढ़ती हों, या सारे सिम्टम यदि आप में हैं, तो आप फॉस्फोरस को रेड ब्लूइश रेड तिल के लिए कंसिडर कर सकते हैं उनको दूर भगाने में, उनको अपने शरीर से ख़त्म करने में। अगर साथियों आपके ब्राउन कलर्ड मोल्स हैं और वह मॉइस्ट हैं, मॉइस्ट मीन्स आपकी स्किन जो है ड्राई है लेकिन मोल्स के आसपास थोड़ा सा एक सॉफ्टनेस है, यह कंडीशन अगर आपको स्किन में है और आपकी स्किन थोड़ी सी डर्टी लुकिंग स्किन किसी मरीज की है, तो उसको दूर करने की होम्योपैथी में दवा सल्फर है। आप सल्फर 1 mg की 3 खुराक वीकली ले लें, 5-5 मिनट के फासले पर आपके ब्राउन कलर के मोल्स जो कि डर्टी लुकिंग है वह चले जाएंगे और आप उससे निजात पा जाएंगे। फिर साथियों एक कंडीशन आती है कि आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा मोल्स हो गए, तिल हो गए, तो चेहरे के तिल को दूर करने की होम्योपैथी में सबसे कारगर दवा मेडोरिनम है। आप मेडोरिनम 200 पावर में 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पे वीकली ले लें। जब आपके तिल चेहरे पे हों, और हमारी महिलाएं, घर की महिलाएं 30-40 साल की एज को पार कर चुकी हो, मेनोपॉज की स्थिति या उसके बाद की स्थिति उनमें आ गई हो और उनके तिल अचानक बढ़ने लगे हों फेस पर, यह सिम्टम अगर आप में पाया जाता है तो आपकी दवा मेडोराइनम है। आप मेडोराइनम 32 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं, आपको लाभ हो जाएगा। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि कोई भी दवा बिना किसी डॉक्टर से पूछे ना ले, ये दवाएं निश्चित रूप से आपके लाभ में आएंगी, होम्योपैथी को आपके करीब लाएंगी, लेकिन दवा डॉक्टर से पूछ कर ही लें। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप नोटिफिकेशन पैनल में अपने क्वेश्चन हमें पोस्ट कर सकते हैं, हम प्रयास करेंगे आपको इसका संतोषजनक जवाब दे सके, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 94157386 9415786380 पर अपनी क्वेरी को व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको संतोषजनक जवाब देने का प्रयास करेंगे। यदि साथियों आपको हमारा यह प्रयास होम्योपैथी को आपके करीब लाने के लिए अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन को आप क्लिक कर दें ताकि नया वीडियो हमारा सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। आपका इतनी देर हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत आभार, साधुवाद और धन्यवाद।